ट्विटर पे सबसे पहले बात करेंगे आखिर सफाई का दुश्मन कौन। इंदौर ने जिन लोगों की बदौलत स्वच्छता में लगातार 6 बार देश में पहला स्थान पाया, यदि उन्हीं लोगों पर इंदौर का कोई नागरिक बंदूक तान दे तो उसे आप क्या कहेंगे। इंदौर में आज कुछ ऐसा ही हुआ। सफाई कर्मचारी जब मंगल विहार कॉलोनी के इस स्कीम नंबर 10 में कचरा कलेक्शन करने गए तो एक पेट्रोल पंप संचालक महेश पटेल ने उन पर बंदूक तान दी और जान से मारने की धमकी दी। सफाई कर्मी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने महेश पटेल की पत्नी को गीला सूखा कचरा मिक्स करने से रोका था। इस घटना को कहीं न कहीं उस इंदौरियत की भावना पर भी चोट पहुंचाई है जो हर हाल में अपने शहर को साफ रखने की पूरी कोशिश करता है और ऐसे सफाई कर्मियों को मेहनत करने से ही इंदौर ने आज पूरी दुनिया में नाम कमाया है। तो इंदौर से ये बड़ी खबर है, मौके की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, ये पेट्रोल पंप के संचालक बताया जा रहा है जिनका नाम महेश है, उनके घर के बाहर की ठीक की तस्वीर आप देखिए जरा। यहाँ पर सफाई कर्मी पहुंचे थे और देखिए गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने ये कहा कि गीला और सूखा कचरा यहाँ पर मिक्स ना किया जाए। इस पर ये देखिए इनका इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि रिवॉल्वर लेके ठीक बाहर आ जाते हैं। देखिए लाल घेरे में आप जरा गौर से देखेंगे तो पेट्रोल पंप संचालक के घर की तस्वीर है और लाल घेरे में आपको पेट्रोल पंप संचालक महेश नजर आ रहे होंगे जिनके हाथ में रिवॉल्वर है। तो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं और देखिए इंदौर शहर की हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता में पूरी दुनिया में नाम कमाया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 6 बार, और जिनकी बदौलत ये नाम कमाया है उन पर ही आज बंदूक तानी जा रही है। ये देखिए लाल घेरे में आप जरा गौर से देखेंगे, ये पेट्रोल संचालक है महेश, इनका नाम है, जो सफाई कर्मी पर बंदूक तानते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। तो मौके की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर कई बड़े सवाल भी खड़े करती है। आपको एक बार फिर से बता दें तो देखिए इंदौर से ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर वाकई में देखा जाए तो कई सवाल भी ये खड़े करती है कि इंदौर में ये सफाई के दुश्मन आखिर कौन है। तो बंसल न्यूज के भी इस पर कुछ सवाल है कि जिनका सम्मान होना चाहिए उनके साथ ये अपमान आखिर क्यों किया जा रहा है। यही नहीं, हम ये भी सवाल करते हैं कि सफाई कर्मी पर बंदूक तानने से सफाई प्रभावित होगी, घटना से सफाई कर्मियों में डर भी बैठेगा। इसी के साथ साथ सफाई के नियमों को आखिर लोग क्यों नहीं मान रहे हैं। एक ये भी सवाल उठता है कि बंदूक ताने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जिनका सम्मान होना चाहिए उनका अपमान आखिर क्यों किया जा रहा है। तो ये बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं इस बड़ी खबर पर जो कि इंदौर शहर एक बार नहीं दो बार ही पूरे 6 बार स्वच्छता में नंबर बनाया है। पूरे देश दुनिया में इंदौर शहर का नाम है स्वच्छता में। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पीयूष देखिए बड़ी खबर है, तस्वीरें, सफाई का ये दुश्मन आखिर कौन है। इंदौर शहर की हम बात करें, एक बार नहीं दो बार ही पूरे 6 बार स्वच्छता में नंबर बनाया और उन्हीं के साथ अपमान किया जा रहा है। आज में ये तमाम सवाल उठना भी लाजमी है और जैसा हम जानते हैं कि देश का स्वच्छ शहर है, लगातार 6 बार ये शहर नंबर 1 का खिताब हासिल कर पाया है और इसके पीछे ना सिर्फ इंदौर के नागरिकों का भूमिका रही है बल्कि वे सफाई कर्मी जो 24 घंटे 365 दिन लगातार इंदौर की सफाई जो है वो व्यवस्था का जिम्मा संभालते हैं। हमने कई उदाहरण देखे, आपने देखा रंगपंचमी के दिन अगर बात करें तो प्यार निकलती है। पीयूष मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच रही लेकिन हमारे दर्शकों को ये खबर एक बार फिर से बता दें, इंदौर के इस वक्त ये बड़ी खबर है और ये खबर क्या कुछ है ये हम आपको एक बार फिर से समझाते हैं। तो ये देखिए इंदौर ने जिन लोगों की बदौलत स्वच्छता में लगातार 6 बार देश में पहला स्थान हासिल किया है और इंदौर शहर की ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर आज सुबह की तस्वीर सामने निकल कर आई। एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहां सफाई कर्मी पहुंचे हुए थे कचरा कलेक्शन के लिए लेकिन जैसे ही सफाई कर्मी ने एक पेट्रोल संचालक की पत्नी को सिर्फ इतना कहा कि गीला और सूखा कचरा वो मिक्स न करे, इस बात पर आप जरा देखिए कि पेट्रोल पंप संचालक की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि घर से अंदर गए, रिवॉल्वर लेकर बाहर आ गए और सफाई कर्मी के ऊपर ये बंदूक तान दी। तो ये देखिए मौके की तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं जो कई बड़े सवाल खड़े करती है।
कि आखिर सफाई कर्मी का अपमान क्यों, क्योंकि देखिए ये वही सफाई कर्मी है जिनकी बदौलत आज मध्य प्रदेश का इंदौर शहर नंबर वन बनता है स्वच्छ शहर में। तो ये मौके की तस्वीर लाल घेरे में आप जरा देखिए, ये पीली टी शर्ट में ये जो साहब आपको नजर आ रहे हैं, ये पेट्रोल पंप संचालक महेश इनका नाम बताया जा रहा है, जिन्होंने सफाई कर्मी पर बंदूक तान दिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिस पर बंसल न्यूज भी कई बड़े सवाल खड़ा करता है, और इस तस्वीर की बात की जाए तो अपने आप में कई बड़े सवाल करती हुई। पीयूष हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। पीयूष, ये जो सफाई के दुश्मन इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, क्या उन पर कुछ एक्शन लिया गया है? देखिए बिल्कुल, ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि ना सिर्फ सफाई कर्मी के साथ में जो अपशब्द कहे जाते हैं बल्कि बंदूक तक तान जाती है, लेकिन इंदौर की जनता जो कहीं ना कहीं सफाई प्रिय है वो क्या सोचती है इस वीडियो को लेकर, उनके मन में क्या सवाल है, आइए जानते हैं। किस तरीके से भैया आप देख रहे हैं ये वीडियो सामने आया जिसमें सफाई कर्मी के साथ में जो है वो अपशब्द कहा जा रहा है, उन पर बंदूक तक तान जाती है। ये सफाई कर्मी कहीं ना कहीं वही है जो नंबर वन बनाते हैं इंदौर, नंबर वन बनाते हैं सफाई कर्मी, और इन्हीं की बदौलत 6 और 7 स्टार लग रहा है, और जो इनके साथ में मारपीट करते हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको लगता है कि दिन रात ये मेहनत करते हैं, किस तरीके से जुटे रहते हैं ये लोग? भारत में आज 6ठी बार इंदौर नंबर लेवल पर आया है, ये कहीं ना कहीं सफाई कर्मियों की ही देन है कि उनकी लगातार इतनी निरंतर मेहनत से ही इंदौर आज पूरे अपने भारत पर निरंतर नंबर वन पर आता रहा है, और हमें आशा है ही नहीं बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि इन्हीं की वजह से हम 7वां नंबर का स्टार इंदौर शहर को दिलाएंगे, और ये जिस प्रकार से उनके साथ ये अद्भुत प्रभाव हो रहा है ये सरासर गलत है। तो देखिए आपने सुना, ये इंदौर की जनता है, साफ तौर पर जब सफाई कर्मियों के साथ में इस तरह का व्यवहार हुआ है तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ सवाल उठ रहे हैं बल्कि जनता में भी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि 7वीं बार नंबर वन बनने के पायदान पर इंदौर खड़ा है, और उन्हीं सफाई कर्मियों के दम पर कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी जो है वो तमगा इंदौर ने हासिल किया है, लेकिन इस तरह की वीडियो जब सामने आते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। हालांकि जिम्मेदारों का कहना है कि कार्रवाई जरूर होगी, पूरे मामले की जांच भी यहाँ पर की जा रही है, नगर निगम के तमाम जो अधिकारी हैं जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग हैं उनका यह कहना है कि इस पर एक्शन सख्त से सख्त लिया जाएगा, लेकिन कार्रवाई अब तक क्यों नहीं है ये भी कहने के सवाल उठ रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अभी तक कार्रवाई इस पर क्यों नहीं की गई। इसी खबर पर बातचीत के लिए न्यूज एट शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई, इस घटना को आप कैसे देखते? साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि सफाई कर्मी पर ही अगर बंदूक तान दी जाएगी तो आखिर अब स्वच्छता में 7वीं बार कैसे नंबर वन बनेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सबसे बड़ा सवाल और उस मानसिकता का है जिस मानसिकता का भारत में हम अक्सर अभाव देखते हैं। मैं अक्सर पढ़ता हूं और जो मेरे मित्र बाहर हैं, हिंदुस्तान के बाहर हैं, यूरोप में हैं, वो अक्सर मुझे कहते हैं कि उन्होंने देखा है अमेरिका में एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशंस पर, मेट्रो स्टेशंस पर, कि जब भी कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए एक बड़ा काम किया है, फौजी हैं, सैन्य अधिकारी हैं या वैज्ञानिक हैं या ऐसे लोग हैं जिनको लोग उनके काम की वजह से इसलिए जानते हैं कि उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है या अपने शहर का नाम ऊंचा किया है, तो उनके लिए लोग खड़े हो जाते हैं, एयरपोर्ट पर खड़े हो जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पर खड़े हो जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सम्मान का मतलब होता है VIP स्टेटस, आपकी गाड़ी में लाल बत्ती लगी है या आप मस्जिद से सफर कर रहे हैं तो हमारे यहाँ सम्मान का भाव। ये प्रवृत्ति मैं कहूंगा कि जिन्होंने गलती की है ये गलती उस समाज की गलती है, किसी एक आदमी की गलती मैं नहीं करूंगा। जहां हम खुश तो होते हैं कि इंदौर को नंबर वन का तमगा मिल गया, लेकिन ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि इसके लिए दिन रात इंदौर में सफाई करने वाले वो सफाई कर्मचारी कितने जिम्मेदार हैं। बहुत शर्मनाक घटना है, इंदौर में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो इंदौर का सर नीचा करती हैं। मैं पूरे इंदौर से ये अपेक्षा रखता हूं कि इस घटना को कंडेम्ड करें। महापौर एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि हैं, एक लीडिंग एडवोकेट भी हैं, उनकी तरफ से इसको टेकअप किया जाना चाहिए पुष्यमित्र भार्गव जी की तरफ से, और कठोर से कठोर कार्रवाई इसमें अपेक्षित होनी चाहिए। शरद जी, बढ़ते मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो इंदौर एक ऐसा शहर है मध्य प्रदेश का जिसने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, जाहिर सी बात है इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो पहचान पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। प्रश्न चिन्ह पहचान पर इंदौर की नहीं मध्य प्रदेश की भी लगता है, पूरा मध्य प्रदेश जो है बहुत शांति
बहुत अच्छे लोगों का राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग अपनी पहचान को लेकर, अपनी भूमिका को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अक्सर ये बात चिंता से कहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अपना मध्य प्रदेश का हमने गान भी इसी दृष्टि से बनाया है, और उसके पीछे ये सोच नहीं है कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों का मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का मतलब ये है कि आप मध्य प्रदेश से प्यार करिए, इसकी हर अच्छी चीज से प्यार करिए, माँ नर्मदा को स्वच्छ रखिए, पहाड़ों को, हरियाली को सुरक्षित रखिए, अपने मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक प्राचीन धरोहर से प्यार करिए। लेकिन हमने इन दिनों सिर्फ पैसे से प्यार करना सीखा है, जो समाज में हम बीते 20-25 सालों में ट्रेंड देखते हैं, बहुत शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये घटना एक आंख खोलने वाली घटना के तौर पर न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरा मध्य प्रदेश लेगा। बिल्कुल आंख खोलने वाली ये घटना है, और हम भी उम्मीद करेंगे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और ये जो घटना हुई है इस पर एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे दर्शकों को एक बार फिर से तस्वीरें भी दिखाएंगे, साथ ही साथ खबर भी बताएंगे, और बंसल न्यूज दिन भर इस खबर पर बना रहेगा, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, और इस पर बंसल न्यूज के जो तमाम बड़े सवाल है, ये सवाल हम महापौर से भी करेंगे, तमाम अधिकारियों से भी करेंगे, उनसे जवाब लेंगे कि आखिर अब तक इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो ये देखिए मौके की तस्वीर हम आपको एक बार फिर से जरा दिखा दें कि ये देखिए गाड़ी आप देखेंगे, सफाई कर्मी इस गाड़ी के साथ पहुंचे थे, ये पेट्रोल पंप संचालक का घर इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पीली शर्ट में ये साहब पेट्रोल संचालक है, जिनके हाथ में आप देखिए रिवॉल्वर है, घर से बाहर आते हैं सफाई कर्मी को ये रिवॉल्वर दिखाने लगते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये सफाई कर्मी वही है जिन्होंने इंदौर शहर को नंबर वन बनाया है दुनिया में, इंदौर शहर को एक पहचान दिलाई है। ये मारूंगा।